बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिया बड़ा बयान, कहा बीएसपी के आत्मसम्मान का फैसला अटल, राजनीति से संन्यास लेने का कोई सवाल नहीं। दिल्ली में अवैध पेड़ कटाई पर विवाद, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को दी खुली चर्चा की चुनौती, बोले जगह आपकी समय आपका, आइए और इस मुद्दे पर बहस कीजिए। उपचुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा, कहा योगी का कद घटाना चाहती है बीजेपी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने लड़की बहन योजना को लेकर राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा 15 लाख की जगह 1500 रुपए दे रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने वापस ली उम्मीदवारों की लिस्ट, आज ही सुबह घोषित किए थे 44 नाम, नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम। रजनीकांत के बयान पर तमिलनाडु में सियासी भूचाल, डीएमके नेताओं ने घेरा, कहा पुराने अभिनेता युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे। नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंत राव चौहान का निधन, हैदराबाद के हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। एक बार फिर दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन, बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं, कहा था नया अध्याय करूंगा शुरू, बात बनी तो झामुमो से देंगे इस्तीफा। गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा, राहत बल ने 10 को सुरक्षित निकाला बाहर। इसराइल को लेकर एनडीए में दरार, जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बोले फिलिस्तीन के खिलाफ इसराइल की लड़ाई में भारत को नहीं देना चाहिए साथ। रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला, 38 मंजिला इमारत से टकराया ड्रोन, यूक्रेन पर हमले के आरोप। बलूचिस्तान में देशद्रोहियों ने 23 लोगों की ली जान, हाईवे किए बंद, गाड़ियां रोकी, आईडी चेक करके मारी गोली। अंतरिम सरकार बनने के बाद भी बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, रविवार देर रात होमगार्ड अंसार ग्रुप और स्टूडेंट के बीच हुई झड़प, अंसार पर हसीना के एजेंट होने का आरोप। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया ने तैयार किया नया आत्मघाती ड्रोन, किम जोंग बोले ऐसे हथियारों का बनाया जाना जरूरी। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत से वापस बुलाए दो राजनयिक, शेख हसीना सरकार में मिली थी नियुक्ति, सरकार ने हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी किया रद्द। जैसे यूपीआई ने भुगतान के तंत्र को बदला, वैसे ही यूएलआई ऋण के तंत्र को बदलेगा, आरबीआई के गवर्नर का बड़ा बयान। बैलेंस ट्रांसफर से होम लोन की ईएमआई घटाने में मिल सकती है मदद, वर्तमान में 9% से अधिक ब्याज पर पेशकश कर रहे हैं बैंक। अरुण जेटली के बेटे रोहन बन सकते हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी, जय शाह आईसीसी चेयरमैन बने तो खाली होगी सीट, बोर्ड मेंबर्स में बनी सहमति। राजकुमार राव से पहले विकी कौशल को ऑफर हुई थी स्त्री फिल्म, इस फिल्म को रिजेक्ट करने का अब विकी को हो रहा है अफसोस, विकी ने मनमर्जिया फिल्म के लिए स्त्री मूवी को ठुकरा दिया था। एमी जैक्सन की शादी से पहले झलक आई सामने, इटली के अमाल्फी कोस्ट में हुई वेडिंग, 2 सालों से हॉलीवुड म्यूजिशियन को डेट कर रही थी जैक्सन।